का लहर है, वहीं लगातार रुझाने सामने आती जा रही है। गोरखपुर सदर से लगातार जो हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी जो सपा कार्यकर्ता है वो बढ़त बनाए हुए हैं। रुझाने लगातार सामने आ रही है, 403 सीटों में से 403 सीटों की रुझाने सामने आ गई हैं और उत्तर प्रदेश केसरियामय होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचंड जीत देख रही है और इसी बीच 270 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं सपा के खाते में 126 सीटें और बसपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। अन्य की बात करें तो अन्य की सीटों में सिर्फ 3 सीटें गई हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें और 70 की 70 सीटों पर रुझाने सामने आ चुकी हैं। बात भाजपा की करें तो भाजपा के खाते में 44 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 26 सीटें, बसपा के पास एक और आपके पास एक सीटें गई हैं। उत्तराखंड में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 3 सीटें हैं और लगातार अब नजर पूर्वांचल बेल्ट पे बना हुआ है। छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल बेल्ट में चुनाव था। वही हमारे संवाददाता रवि किशन से बातचीत किए हैं, गोरखपुर के सांसद, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरह से जिस तरह से केसरियामय होता जा रहा है उत्तर प्रदेश, रवि किशन जी, किस तरह की प्रचंड जीत देखते हैं आप और इतिहास दोहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा, सभाओं में हम जाते थे कि मोदी जी और योगी जी, ये दो चेहरे, डबल इंजन सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का जो विश्वास था महाराज जी पर, योगी जी पर, एक मुखिया को चुनना था, ये मुख्यमंत्री जी का चुनाव था। इसमें लोग प्रत्याशी देख ही नहीं रहे थे, हर प्रत्याशी में योगी जी का चेहरा था और ये आज उसका रिजल्ट आपके सामने है, उसका रिजल्ट आपके समक्ष है। और मैं 300 तक की फिगर का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है 300 आंकड़ा हम लोग टच कर जाए। जी रवि किशन जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये निकल के सामने आता है, मोदी लहर या फिर योगी का कर? देखिए दोनों जी, मोदी जी को आप, मोदी जी बहुत बड़ी शक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन इस देश के लिए, आप प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी, उनका और योगी महाराज जी का काम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल, उन्हीं शैली में काम करना, ये डबल इंजन सरकार है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर मंच पे महाराज जी की, योगी जी की हमेशा तारीफ की है, बुरी बुरी प्रशंसा की है, आज उसका जनता के सामने उन्होंने तारीफ की और जनता ने आशीर्वाद दिया। देखिए एक बार बताएं, मैं आपको बता दूं, जनता ने उत्तर प्रदेश को आज बचा लिया, अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लिया, नहीं तो बाहुबली दंगाई कल से आज रात से घूमने लगते। अगर एक गलत निर्णय हो गया होता, उत्तर प्रदेश 20 साल पीछे चला जाता, फिर बाहुबली और दंगाइयों और माफियाओं के कब्जे में चला जाता। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा काम किया, मैं उनको, आपको, उनको प्रणाम धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पूज्य महाराज जी को चुन के, बहन बेटियां, कानून व्यवस्था, लॉ ऑर्डर, विकास, हर चीज, एक परफेक्ट उत्तर प्रदेश जो बनने की तैयारी होगी उसकी शुरुआत कर दी, दोबारा सेकेंड टर्म उनको दे। रवि किशन जी, अब तो केसरिया में उत्तर प्रदेश हो ही चुका है, जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जो लगातार दावे वादे कर रहे थे और जिनका ये मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश हमेशा से विकास को चुनी है, तो विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबसे अहम मुद्दा जो राष्ट्रवाद था, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनी है, विपक्ष के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त आप? यही कहूंगा कि देखिए, ये एक निस्वार्थ सन्यासी की जीत हुई है, स्वार्थी परिवारवाद नहीं, ब्राह्मण समाज नहीं, उनके साथ जाट समाज नहीं, सबको फंस करके चटनी बनाई जनता ने, उनके मुंह पर दे मारा। ब्राह्मण समाज भी इंटैक्ट है, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मैं वो भी देख रहा हूँ, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, किसान पर, जिस पर सपा को और लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरवा देंगे, उस सारी राजनीति को जनता बड़े ध्यान से सुन रही थी, तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया, ये तुष्टिकरण, ये सोच, ये जात पात को ध्वस्त कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य के लिए, राजनीति के लिए, इस भारत के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए, ये जात पात का खत्म होना, उसकी राजनीति का खत्म होना बहुत जरूरी था, नहीं तो विकास कोई करता ही नहीं जात पात की राजनीति में। ये लोग अपना महल सब लोग बना रहे थे और उनकी बिरादरी वाले वही भूखे मर रहे थे, अब उसको मोदी जी ने, योगी जी ने खत्म कर दिया, मकान देके, शौचालय देके, अनाज देके,
5 लाख इलाज के लिए देके, सुरक्षा व्यवस्था देके, सम्मान देके। जी, 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के चल रही है। 90 के दशक से राम मंदिर, अयोध्या मंदिर एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। तमाम नेता बदले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था राम मंदिर का, वो कभी नहीं बदला। तो राम मंदिर को अपनी, राम मंदिर के मुद्दे को अपनी जीत में कितना बड़ा मुद्दा देखते हैं आप, कितना बड़ी उपलब्धि देखते हैं आप इसको? देखिए, राम मंदिर तो 500 साल से हम लोग की पहचान, हमारे प्रभु राम है, हमारे ईस्ट, हमारे सब कुछ है। उनके लिए तो चाह रहे थे मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, और अभी बहुत भव्यतम बनेगा। जनता ने सोचा कि अब राम मंदिर बना था, भोजपुरी में हम बोलेंगे राम मंदिर बना था, अब राम रामराज लिया है के पास, राम मंदिर बन रहा है, अब रामराज, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे चलाते थे एक राजा के रूप में, तो उसी तरह इसको चलाना है, जहां हिंदू भी मुसलमान भी हर बिरादरी शांति से रहे और विकास करे आगे, और इस प्रदेश को भारत का उच्चतम प्रदेश बनाए, नंबर 1 पर ले आए, कि गौरव हो जाए, टूरिज्म हब, फिल्मों की शूटिंग, फिल्म सिटी, रोजगार इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, एम्स, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग, और एक प्रदेश को देखने लोग आए पूरे विश्व से। रवि किशन जी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बिल्कुल ये सत्य हो गया। इसमें गोरखपुर की जो जनता, गोरखपुर से सांसद है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी गोरखपुर से हैं। अब गोरखपुर की जनता को किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे, और क्या कुछ गोरखपुर की जनता के लिए कहना चाहेंगे आप? और गोरखपुर को एक अलग पहचान दी है हमारे मुख्यमंत्री जी। गोरखपुर की जनता के लिए अबीर तैयार है मैडम, ये मोतीचूर के लड्डू तैयार है, और जनता नीचे खड़ी है। आपसे मैं बात करते जैसे अब शायद अब खत्म हो रही है आपसे बात हमारी, अब हम जनता को धन्यवाद देने सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, और अब सड़क पे हम लोग निकलेंगे, होली होगी, फगुआ इसको भोजपुरी में कहते हैं। जी, बहुत बहुत आपको प्राइम टीवी की तरफ से मुबारकबाद रवि किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि किशन हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम बातें कही, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब केसरिया मैं उत्तर प्रदेश हो चुका है, एक प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, 270 सीटों पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है, और होली मनाया जा रहा है। 403 में से 403 सीटों पर रुझान आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। अगर उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड में 70 में से 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। भाजपा के खाते में 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 26, बसपा के पास अभी 0 सीटें हैं उत्तराखंड में। वही अगर बात किया जाए आपकी, तो आप भी लगातार प्रयासरत था, आपने भी काफी कोशिश की उत्तराखंड में, चेहरे भी उतारे, लेकिन आपके खाते में मात्र 1 सीट गया, वही अन्य के खाते में 3 है। अगर बात उत्तराखंड की जाए, तो उत्तराखंड में भाजपा ने 3 बार वहां के मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस इसका कुछ खास फायदा उठाते हुए उत्तराखंड में भी नजर नहीं आ रही है। लगातार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी। और अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के सरिया में हो चुका है, लगातार 270 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर दौड़ा हुआ है, जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होली आज से शुरू हो चुकी है। मतदान की एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।